आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सिविल एक्टिविटीज में आज हम बात करेंगे स्लैब बिन रेनफोर्समेंट के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो जब भी हम स्लैब बिन रेनफोर्समेंट की बात करते हैं या स्लैब लोअरिंग की बात करते हैं तो हमें क्या क्या चेक करना होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे ही हम बीम की बात करते हैं तो बीम में सबसे पहले एज पर ड्राॅइंग हम एक स्लैब बीम जो फ्रेम प्लान होता है उसको लेते हैं और उसमें हमारा बीम का जो सेक्शन होता है उसको हम रीड करते हैं और उसके हिसाब से हम चेक करते हैं रेनफोर्समेंट स्टील और अपना कितना लेग का रिंग लगा हुआ है। और अपने को जो स्लैब लोरिंग से अपने जो चेक करना होता है कि क्लीनिंग भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो कि स्लैब बीम लोरिंग से पहले होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि अगर आप क्लीनिंग नहीं करते हैं तो ये चीज़ें कास्टिंग के बाद आपके फिनिशिंग पे इफ़ेक्ट करता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि रेनफोर्समेंट हमें क्या चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम थ्रू आउट बार्स जो होते हैं उसको हम चेक करते हैं, टॉप और बॉटम का। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा का क्या पोजीशन है, सेंटर में है, कॉलम के नियर बाई है, उसको हम डिसाइड करते हैं। देन आफ्टर हम बात करते हैं स्पेसिंग का। स्पेसिंग क्या होता है, स्पेसिंग जो होता है दो रिंग के बीच का जो गैप होता है उसको हम स्पेसिंग बोलते हैं। जैसे इस दो हम रिंग की बात करें तो इनके बीच में जो